नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है। आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ जीएसटी में एक रिफंड के इशू को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, कई बार ही हमने देखा है, हम बेसिकली एक सर्कुलर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सर्कुलर नंबर 110 है, 3 अक्टूबर 2019 को इशू हुआ था। कई बार हमने देखा कि आप जब रिफंड एप्लीकेशन RFD 01A या 01 में फाइल करते हैं, तो जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं तो एक पॉपअप मैसेज आता है जिसमें वो लिखा होता है कि आप क्या NIL एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं। तो गलती से इनएडवर्टेंटली बिना मतलब देखे जल्दबाजी में किसी भी कारण से आपसे वो NIL एप्लीकेशन फाइल हो जाती है और आपका रिफंड क्लेम होता है लेकिन वो एप्लीकेशन फाइल हो जाती है NIL की, तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाते क्योंकि जब आप एक बार एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो आप उसको रीफाइल नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम डिपार्टमेंट के पास पहुंची, उन्होंने उससे रिलेटेड एक सर्कुलर नंबर 110 निकाला। उन्होंने कहा भी देखिए, दो कंडीशन पूरी हो जाए तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं रिफंड को। पहली, आपने NIL गलती से फाइल किया, दूसरा आपने कोई सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन जो है रिफंड की सेम कैटेगरी में नहीं फाइल की हो। ये दूसरी कंडीशन जो है वो तीन सर्कमस्टेंसेस में लगेगी। आप अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अनयूटिलाइज्ड ITC को रिफंड मांग रहे हैं, आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अनयूटिलाइज्ड ITC को रिफंड मांग रहे हैं, या फिर आपने SEZ को यूनिट को डेवलपर को सप्लाई किया और अनयूटिलाइज्ड ITC का रिफंड मांग रहे हैं, इन तीनों सर्कमस्टेंसेस में अगर आपने कोई सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं की है तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड कंडीशन जो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन वाली है, अगर आपने सप्लाईज की है जीरो रेटेड और विद पेमेंट ऑफ टैक्स की है, तो आपने फर्दर पीरियड की भी अगर रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दी हो तो भी आपने जो गलती से NIL फाइल किया उसकी आप रीअप्लाई कर सकते हैं, इवन इफ यू हैव फाइल फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड। आई होप आई एम क्लियर कि आप सब्सिक्वेंट पीरियड वाली सिचुएशन कहां लागू होती है। अब अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं, जहां जहां जरूरत है एनी अदर कैटेगरी में आप रीअप्लाई कर दें सेम अमाउंट का, आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वैसे ही देने हैं जैसे आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में देते जिसमें आपने NIL एप्लीकेशन फाइल कर दी। जब प्रॉपर ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी चेक करके अगर उन्हें लगता है कि आप एलिजिबल है रिफंड के पूरे या पार्शली जो भी रिफंड अमाउंट होगा, आपको वो एक राइटिंग में चिट्ठी भेजेंगे और उसमें लिखेंगे कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को जिस भी अमाउंट से आपने NIL एप्लीकेशन को रीअप्लाई किया है, मान लीजिए 1,00,000 रुपया आपका छूट गया था भरना, आपने 1,00,000 का एप्लीकेशन फाइल कर दिया, रीअप्लाई कर दिया, वो आपको चिट्ठी भेजेंगे कि भैया अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है अब डेबिट कर दो। डेबिट करने का तरीका बताया है सर्कुलर में, DRC 03 से डेबिट कर दो। DRC 03 फाइल करके उस प्रूफ को आप डिपार्टमेंट को भेजो, जैसे ही वो प्रूफ उन्हें मिलेगा वो आपका रिफंड प्रोसेस कर देंगे और रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये एक परेशानी थी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए, उसको दूर करने की कोशिश की है डिपार्टमेंट ने, मैं कहूंगा अच्छा मूव है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता थी, हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं इंडस्ट्री में, जो हमारी सोसाइटी में जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।